मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में आज दही हंडी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर मटकी फोड़ी गई। दही हंडी और चेहलुम का जुलूस एक ही दिन होने की वजह से पिछले दो दिनों से मुंब्रा पुलिस शिया असनी कमेटी और हनुमान अखाड़ा के सदस्यों के साथ में मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो गोविंदा मटकी फोड़ने के लिए हनुमान अखाड़ा की तरफ से निकलते हैं उनका और चेहलुम का जुलूस जो निकाला जाता है इनका रूट और समय अलग अलग ये तय किया गया था कि दोनों का आमना सामना ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। सुबह के वक्त मुंब्रा देवी मंदिर से दही हंडी फोड़ने के लिए सभी गोविंदा संजय नगर शंकर मंदिर और शिवाजी नगर में मटकी फोड़ने के बाद नारायण नगर होते हुए आनंद कोलीवाड़ा पहुंचे थे। तब तक चेहलुम का जो जुलूस निकाला जाता है ये जीवन बाग से कोलीवाड़ा पहुंचकर कोलीवाड़ा से पुलिस स्टेशन होते हुए शिया कब्रस्तान के लिए आगे रवाना हो गया। माहौल खराब ना हो इसलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त भी लगाया गया था। वहीं भगत परिवार के विष्णु भगत मोतीराम भगत अन्य भगत परिवार के सदस्यों की जगह जगह पर सम्मान सत्कार भी किया गया। इस तरह आज दही हंडी और चेहलुम का जो जुलूस निकाला गया ये बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इस दौरान अयाज अहसन और मोतीराम भगत राजन कीने ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। नटकट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आज जन्माष्टमी है, आज इस जन्माष्टमी के उपरांत में हम सभी हमारे देशवासियों को पूरे देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को खास करके हमारे मुंब्रा वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज हम देख रहे हैं कि जब से हम छोटे थे हमारे जन्म से पहले ये जन्माष्टमी का हनुमान अखाड़ा के माध्यम से ये दही हंडी का ये जो त्यौहार है मनाया जाता है और हनुमान अखाड़े के माध्यम से हमारे गांव की जो हंडियाँ रहती है वो फोड़ी जाती है और बैलगाड़ियों में अलग अलग हमारे जो भगवान है समझो शंकर पार्वती है फिर राधा कृष्ण है कंस है फिर ऐसे जो वाकले पहनते हैं ये ऐसे सब जो पात्र है पात्र को सजाया जाता है और बैलगाड़ियों में इनकी झांकियाँ निकाली जाती है। ये अनेक वर्षों की परंपरा रही है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे हनुमान अखाड़े के प्रथम अध्यक्ष थे संस्थापक नाना दादा सुखा भगत ये सरपंच रह चुके हैं मुंब्रा गांव के। इन्होंने ये कार्य शुरू किया है और उनके उपरांत उनके जो लड़के हैं रामदास भगत विष्णु भगत रामचंद्र भगत फिर उनके बाद में शिवदास भगत आज उनका पूरा परिवार न होते हुए भी उनके जो लड़के हैं आज ये तीसरी पीढ़ी है उनकी जैसे कि सुदाम भगत आज हनुमान अखाड़े के अध्यक्ष है तो उनके माध्यम से ये पूरी जो गांव की हंडियाँ रहती है फोड़ी जाती है। फिर उनके पूरे परिवार के मोतीराम भगत है विशु भगत है बहुत सारे उनके भगत परिवार के पूरे जो परशुराम भगत है ये सब पूरे एक साथ में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाया जाता है और पूरे गांव के लड़के लोग यहाँ इस हंडी में शामिल होते हैं। ये अभी से नहीं है हमारे नाना दादा टाइम से ही है मतलब मेरे दादा के टाइम से चलते आ रहे हैं उस दौर से अभी तक चलते रहते राजन दादा है लोग सब पहले से करते करते आए। उसके बाद हम लोग अभी यंग पीढ़ी में हम लोग सब आए कोलीवाड़ा के जैसे बाजार के मुंब्रा बाज़ार के मुंब्रा देवी रोड के कौसा के ये सब शंकर मंदिर ये सब चीज़ के हम लोग एक मिल के सब एक साथ में आके जुड़ के सब कर और इसमें ऐसा खाली सिर्फ हम लोग ही नहीं है इसमें सब समाज के है और हम लोग मिल के इंजॉय करते हर त्यौहार हमारा एक साथ में इंजॉय के साथ होता है और ये पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं ये परंपरा हम चलते आ रहे और चलती रहेगी। देखिए बहुत मुश्किल काम था जो प्रशासन की मदद से बेहतरीन ढंग से निभाया गया अंजुमन मौजूदा अली की जानिब से और शिया अश्नाश्री के जेर क़्यादत ये जुलूस निकाला गया था जिसमें हमें पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हमने एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस जुलूस को आगे बढ़ाया जिसमें हनुमान अखाड़े का भी बहुत बड़ा अहम रोल है वो भी अपने वक्त पर अपनी जगह पर पहुँचे। हम दोनों जुलूस का आमना सामना नहीं हुआ वो जुलूस अलग चला गया हम लोग अलग निकले हैं और माशाल्लाह से ये मुंब्रा कौसा के एकता का पैगाम है।